नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को डेली डायरी न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, पूरा भारतवर्ष आज मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं गणतंत्र दिवस के इतिहास से। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा होता है तो आइए हम आपको बताते हैं कि इन खुशियों के पीछे कितना तप और कितना परिश्रम करना पड़ा। संविधान के निर्माण में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जी हाँ, इसके पूरे प्रारूप में कि इस संविधान के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, करीब 114 दिन तक बहस चली थी। इस पूरे संविधान पे करीब 63 लाख रुपए खर्च किए गए थे। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया। तब इसमें कुल मिला के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती थी, जो वर्तमान समय में परिवर्तित हो गई हैं। आपको बता दें कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर डेली डायरी न्यूज ने कुछ शख्सियतों से बात की, उन्होंने युवाओं को संदेश दिया। आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साधना ग्रुप के सीईओ मुखर्जी सर। आइए इनसे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बात करते हैं। जी नमस्कार। हमारे गणतंत्र दिवस के स्पेशल हमारे जो कल हमारे गणतंत्र दिवस है उसके शुभ अवसर पर मैं सारे युवाओं को, सारे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि जो हमारे युवा हैं, जो आज सारे देश में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी में, मीडिया में, इन एवरी सेक्टर, वो और भी आगे आए, अपना जिम्मेदारी संभाले और इस देश को बहुत आगे ले जाए। धन्यवाद, थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं साधना के चैनल हेड मुकेश सर के साथ। ये अपनी तरफ से युवाओं को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में संदेश देना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। थैंक यू। मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को और सारी जनता को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये गणतंत्र दिवस हम सब के लिए अच्छा संदेश लेके आए। थैंक यू एंड हैप्पी गणतंत्र दिवस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साधना कॉलेज की डायरेक्टर वीना हाड़ा जी। आइए इनसे बात करते हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। देखिए, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे जो हर साल आता है और चला भी जाता है, लेकिन जिस तरह से सूरज उगता है अपने एक नए रिनेसा के साथ, उस तरह से बच्चों को भी अपने लाइफ में एक नए रिनेसा के साथ काम करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, आज की यूथ जो है भटके हुए हैं और शायद ही 100 में से सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं जो ओवरऑल बहुत ही जॉब ओरिएंटेड है और करियर ओरिएंटेड है, और उनको पता होता है उनको लक्ष्य में करना क्या है, उनके करियर में करना क्या है। मैं प्रोफेशनल लेवल के क्लासेस को चलाती हूँ और जहाँ तक मैं देखती हूँ, बच्चे उसमें से अभी भी परफेक्ट नहीं है कि उन्हें करना क्या है। दे आर यूज टू स्पेंडिंग देयर मनी, दे यूज टू स्पेंड देयर टाइम, बट दे आर नॉट फोकस्ड। सो फॉर दिस ईयर आई सजेस्ट टू एवरीवन, इन्वेस्ट योर टाइम टू योर सेल्फ। इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम फॉर योर सेल्फ, इट विल काउंट टू योर फैमिली एंड फैमिली accountability for a state and state accountability for a nation. कि जिस दिन इंसान अपने लिए सीख जाएगा करना, उस दिन वो देश के लिए भी तरक्की का असर लाएगा, क्योंकि एक देश की तरक्की पर कैपिटा इनकम से होती है, और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ता है एक व्यक्ति का, यानी किसी एक व्यक्ति का, तो वो यूथ ही है। अगर आने वाले समय में जो अब देखा जाए तो 70% 2031 के अनुसार 70% इंडिया में यूथ ही आने वाले हैं, जो अभी भी 70% यूथ ही है। तो अब जो ये यूथ है, उन यूथ का जो एक डिमोनेटाइजेशन के बाद भी एक बदलाव है, कोई असर नहीं है। जिनको जो चीज़ चाहिए थी है वो ले रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो भी ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये है एक जीन, लाइफ को, गोल को सक्सेस करने की जीन। तो मैं लोगों से, दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि इंसान को हमेशा जो है अपने लाइफ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, सक्सेस की ओर रास्ता देखना चाहिए, लेकिन अपनी जो मौजूदगी है, अपना जो तबज्जो है वो चेंज करना चाहिए, यानी वो करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। और जिस काम में आप
एक्सपर्ट हो उसको और फोकस करो, क्योंकि आपके फोकस आपके ऊपर है एंड आपका जो काम है वर्कआउट है वो ऑब्वियसली नेशन की ओर है और नेशन जो है वो देश की ओर है। मैं साधना एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, कहना चाहूँगी आप जितना अच्छा डेली डायरी न्यूज़ काम कर रहे हैं वो आगे की ओर हमेशा अग्रसर हों, उनको बहुत ही सूरज की रोशनी की तरह चमकार मिले, हमेशा तरक्की करें और आगे बढ़े। थैंक यू। गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत है मुक्त, गरीबी मुक्त समाज हो, देश में कोई गरीब न रहे, सबको रोजगार हो, सबको शिक्षा हो, ये मेरी शुभकामना है। और डेली डायरी की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं, सब प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हमारी एक खास पेशकश गणतंत्र दिवस पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टेली डायरी न्यूज।